मेरी मम्मी जैसे ही आई तो उन्होंने बस बोला कि लल्ला लल और मैंने उनकी तरफ देखा और वो बेहोश हो गए 20 मई को मैं घर पे पहुंचा हूं और 25 मई को मेरा जो बड़ा भाई था वो उसकी मृत्यु हो गई लोग कहते थे कि हाँ जाना इसको था और चला वो गया इस तरीके की बात है मुझे बस इन सवालों के जवाब जानने के मैं ही क्यों किसी के भी साथ हो सकता है हमें क्यों गरीब पैदा हुए है ना हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम थी सुबह से शाम तक पूरा दिन उस मशीन पे बैठे रहना और इंतजार करना कि कोई अपना फटा ले उठाना ले कर आएगा तो हम चलेंगे फिर शाम को सब्जी लेके जाएंगे तब खाना बनेगा इस तरीके की कंडीशन थी मेरे पापा का फोन आया और वो, वो, वो बोले कि आ जाओ मैंने उनको बोला कि नहीं अगला एग्जाम मुझे क्रैक करना है मेरे पास समय नहीं है अगर जे छूट जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि जो आग जो थी ना वो बुझ ही नहीं रही थी वो बोले कि नहीं अगर ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो फिर आ, क्या ही बनोगे जिस दिन मुझे बताया था कि आई क्या है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो आई क्या होता है उठो जागो और जब तक नहीं रुको तब तक के मंजिल मिलना चाहिए ये जो कोट है वो स्वामी विवेकानंद जी का बोला हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति हमारे कैंपस जे में है मैं हर रोज का मेरा वहाँ से निकलना होता है दिन में दो से तीन बार और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मैं मुझे इस बात पे गर्व तो होता है कि मैं ऐसी महान हस्ती से हर रोज़ मेरी मुलाकात होती है मेरा नाम सूरज तिवारी है और मैंने यू में 2022 हजार में नौ सौ सत्रहवीं रैंक पाई है और मेरा सब कैटेगरी में सेकंड रैंक है ये पल आप सभी जानते हैं कि मेरे लिए कितना खूबसूरत है कि आज मैं उस मंच पर आकर आपसे बात कर पा रहा हूँ अपनी बात को बोल पा रहा हूँ है ना जो मंच लाखों नहीं करोड़ लोगों के दिल में रहती है मैं ज़िला मैनपुरी का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म मेरे गांव घरनाजपुर कस्बा कुरावली में हुआ था मेरे पिताजी मजदूरी कर करते हैं छोटी सी दुकान है हमारी तो वहाँ उनका सिलाई का काम है लोगों के जो कपड़े फट जाते हैं वो चीज़ें वो सिलते हैं साड़ी पे पी को करते हैं फोल लगाते हैं और यही हमारा रोजी रोटी मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे कस्बा कोरावली में आठवीं तक हुई है महर्षिपास्वामी पब्लिक विद्यालय में और उसके बाद मैंने नौ से बारहवीं तक वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और ट्वेल्थ में मैं सी बी एस ई बोर्ड से फेल भी हो गया था हाँ तो, फिर मैंने यूपी बोर्ड से दोबारा से अपना ट्वेल्थ कंप्लीट किया है 2014 में और 2015 में मैं मुंबई चला गया था वहाँ पे दमन द्वीप में मेरे भैया है वो जॉब करते थे कोच कार्ड में तो उनके यहाँ मैं गया था जॉब करने के लिए और 2015 में मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि तो कुछ रीजन्स की वजह से इकनॉमिक रीजन्स से हम इकनॉमिक विकर सेक्शन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अगर कोई बु... नॉर्मल बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाती है तब भी हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अजीब का है हमारी वो छोटी सी दुकान है और तो दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा थी उस समय मैं वहाँ से वापस आया और 2015 में मैंने आकर जो पूजा पाठ का काम होता है तो वो मैंने सीखा और 2015 में मैंने वही किया है और 2016 में मैं दिल्ली आ गया प्राइवेट ही जॉब करने के लिए और डेटा में मैंने एक साल प्राइवेट जॉब किया है और 2017 में 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी उस ट्रेन में तो भीड़ की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिरा आंखें खुली तो मैं आईसीयू में था एक कमरा था जिस तरीके से ये कमरा पूरा ब्लैक है वो वो कमरा बिल्कुल वाइट ही था तो एक सामने विंडो लगी हुई थी और वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी तो मेरा पूरा बॉडी अनकॉन्शियस था और से मेरी आंखें ही काम कर रही थी बाकी मुझे कुछ बॉडी में फील नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे कुछ पता नहीं मैं वहाँ पर लेटा हुआ था तो आ, कुछ डॉक्टर आए तीन चार लोग थे वो और वो आए मेरे पास तो आके उन्होंने देखा कि मेरे मैं देख रहा हूँ और पूरा पाइप पाए पूरा लगा के रखे हुए थे तो मैं बोल भी नहीं पा रहा था उस समय तो तो आके उन्होंने मुझे देखा और मेरे सर पे हाथ फिराया और बोले कि आपका नाम क्या है आप क्या करते हैं उन्होंने डिटेल्स ली लेकिन मैं उस समय बोल ही नहीं पा रहा था तो मैं सिर्फ पल के ही झपका पा रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको है कि आपका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है यहाँ आप गिर गए थे और आपके दाहिने हाथ की दो उंगलियां इसमें चली गई हैं मुझे यकीन नहीं हुआ किसी को नहीं होगा कि हमारे एक शरीर का एक अंग है वो अगर हमसे दूर होता है तो हम इमेजिन नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने फिर मेरा हाथ उठाया और पूरा ड्रेसिंग किया मैं देख रहा था अपने हाथ को कि ये हो गया अब अब कैसे होगा मैं सोच में पड़ गया मुझे बहुत दुख भी हो रहा था मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि तो आंखें ही काम कर रही थी मेरी और वो डॉक्टर चले गए बताकर करीब दो घंटे के बाद में सेकंड डॉक्टर्स की टीम आई और उन्होंने सेम क्वेश्चन किए सेम प्रोसेस किया और फिर मेरे सीधे हाथ के बारे में बताया मुझे बहुत दुख हुआ उस समय वो मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट है कि मैं जानता हूँ कि वो मोमेंट कैसा रहा है मेरी ज़िंदगी का जब मुझे पता लगा कि मेरे हाथ ही नहीं है अब मैं कैसे करूँगा मैं बहुत कुछ सोच रहा था पता नहीं क्या क्या सोच रहा था हजारों लाखों सवाल एकदम से मेरे दिमाग में आ रहे तो मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था दो घंटे के बाद मैं कुछ डॉक्टर्स की टीम आई उन्होंने मेरे पैरों के बारे में इसी तरीके से बताया फिर तो मैं क्या था उस समय मैं महसूस मैं वो मैंने देखा है कि इससे ज़्यादा क्या ही है अब क्या होगा मैं सोच नहीं पा रहा था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ है फिर वो डॉक्टर चले गए फिर कुछ डॉक्टर्स बाद में और आए तो अब मैंने सोचा कि यार हाथ पैर तो रहे नहीं अब क्या नहीं बचा है मेरे शरीर में देन वो लोग आए और उन लोगों ने वही सेम क्वेश्चंस किए और मतलब फिर मुझे काफ़ी समझाया काफ़ी मोटिवेशन वीडियोस दिखाए और मुझे बताया कि आप जो है अभी कुछ नहीं हुआ हाथ से बहुत लोगों के साथ में होते हैं और किसी के भी साथ में हो सकते हैं अब उन्होंने मुझे बायोनिक पोस्टेटिक के बारे में बताया कि इन फ्यूचर मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि एक हाथ पैर के साथ व्यक्ति कर सकता है तो जरूरी नहीं है कि हाथ हाथ पैर ही हो बिना हाथ पैर के भी आप जो है वो अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं उन्होंने बहुत सारे मुझे वीडियोस दिखाए बहुत सारी बातें बताएं लेकिन जो खोता है वो जानता है कि मैंने क्या खो दिया लेकिन एक हिम्मत थी कहीं ना कहीं कि चलो ओ, मैंने खोया है या मेरा जो मेरे पूरी फैमिली ने ही बहुत कुछ खो दिया मेरे हाथ पैर के साथ में बहुत उम्मीदें बहुत उनके हौसले सपने सब कुछ टूट से ही गए मेरे हाथ पैर के बाद में लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मेरा एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है एक बहन है माता है पिता है देखते हैं जीवन में जैसा भी होगा अब जिंदा है तो संघर्ष तो है ही देखना है एंड मुझे फिर उन्होंने आ, न, आ, मेरी मम्मी से मिलने के लिए अलाउ किया तो मेरी मम्मी जैसे ही आई तो मेरा गर्दन थोड़ा सा यूं था बाकी मैं लेटा हुआ था मैंने देखा वो मुझे आई उन्होंने बस बोला कि लल्ला आ, ला और ला हमारे मतलब बेटे को इस तरीके से बोला जाता है लला करके तो जैसे ही उन्होंने बोला कि लला और मैंने उनकी तरफ देखा और वो बेहोश हो गए मैं पहले ही अपने लाखों सवालों को लेकर थोड़ा सा परेशान था उनको बेहोश देखा तो मुझे लगा कि हाँ अब दिक्कत तो चैलेंजेस आए हैं उनको सॉल्व करना ही है मन में लाखों सवाल आ रहे थे कि मैं ही क्यों ठीक है मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाथ से किसी के भी साथ हो जा सकते हैं किसी के साथ समस्याएं आ, आ सकती हैं क्यों तो, लेकिन मैं ही क्यों मैं अपना जीवन सामान्य जीवन अपना जी रहा था और ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों हुई इसी प्रॉब्लम के साथ में सवाल लाख होते मुझे फिर दो चार दिन के बाद ना मुझे वार्ड में शिफ्ट किया वहाँ लाखों लोग मुझसे मिलने आए मेरी तीन टाइम डे दे में ड्रेसिंग हुआ करती थी तो आ, यू कॉन्ट इमेजन कि जब वो मेरी ड्रेसिंग करने आते थे तो पूरे हॉस्पिटल में मेरी आप आज थी, थी और ड्रेसिंग के बाद में एक अजीब तरीके का पेन होता है तो मुझे वो बहुत होता था तो मैं मम्मी को बोलता था कि आप जाइए और डॉक्टर से बात कीजिए कि मतलब दर्द हो रहा है कुछ तो होगा इंजेक्शन वगैरह कुछ भी वो आप उनको बोलिए कि आके मुझे लगा दें तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा दिन में तीन बार ड्रेसिंग होती थी सुबह दोपहर में और शाम में हर छः घंटे के बाद में मेरी एक ड्रेसिंग जरूरी थी वो होती थी दर्द तो था ही लेकिन बस इंतजार था कि जिस दिन इस दर्द से बाहर निकलना है उस दिन तो कुछ करना है देन एक दिन मैं पापा के साथ अप्रैल में मुझे डेट ध्यान नहीं है मैं एम्स में कुछ मेडिसिन लेने के लिए गया हुआ था तो वहाँ पर एक जे के के स्टूडेंट हैं वो मुझे मिले और Uh, मेरा चेहरा तो ऐसा है स्माइलिंग फेस तो वो मेरे पास आए और बोले कि क्या हुआ कैसे हुआ आप कौन हो मैंने अपने बारे में जो भी था बताया देन फिर वो वो बोले कि अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता है उन्होंने मुझे जे के बारे में बताया और वो मुझे जे घुमाने लेके गए उन्होंने पूरा कैंपस घुमाया बहुत सारे पर्सन में डिजेबिलटीज से मुझे मैं इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज़ बताई तो हर एक की कहानी हर एक की कहानी में संघर्ष है हर एक की कहानी में प्रॉब्लम्स हैं चैलेंजेस हैं वह सब संघर्ष कर रहे हैं और मन में ठान लिया कि हाँ जे में आना है और मेरे पास समय भी कम था तो मैंने एक महीने ही अपना जे एन यू में दे पाया और सत्रह और उन्नीस मई को मैंने जे एन यू का पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया बीस मई को मैं घर पे पहुंचा हूं और पच्चीस मई को मेरा जो बड़ा भाई था वो, वो बीमारी की वजह से उसकी भी पच्चीस मई को मृत्यु हो गई वो मुझसे दो साल बड़ा था तो उसकी मृत्यु ने तो मैम मैं अपने हाथ और पैर पहले ही खु चुका था तो उसकी उसकी मृत्यु का मतलब था कि मेरे शरीर रीढ़ की हड्डी भी टूट गई बिल्कुल पूरी तरीके से अभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ उस समय तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं खुद से बैठ भी जाऊँ ना ही शरीर से ना ही अपने आप से और ना ही अपनी अंतरात्मा से मैं किसी भी कंडीशन में बैठने के काबिल नहीं था बिल्कुल पड़ा हुआ था बिल्कुल ढेर होकर के अब तो कुछ नहीं बचा ईश्वर अब क्या ऐसा है उधर जून में, में मेरा पहला जे का रिजल्ट आया तो जब मैंने रिजल्ट चेक किया तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं उस दिन मैं बिल्कुल टूट गया बिल्कुल सब चीज़ों से मेरा भरोसा उठ गया जो लोग कहते थे कि हाँ पहले कुछ ऐसे काम किए होंगे इसके बदले में ये हुआ है या कुछ और होना था तो इतना ही हुआ है या जाना इसको था और चला वो गया इस तरीके की बातें हैं उस समय बहुत हताश हो गए इतना हताश हो गए कि मन किया कि अब तो कुछ करना है और अब ख़त्म करना है क्योंकि अब क्या ही है कुछ बचा नहीं है लेकिन करें कैसे मैं तो उस समय इतनी भी मेरे शरीर में शक्ति नहीं थी कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूं मैं तो बस यही है डेथ मेरे लिए उस समय खुद का होना डेथ से कम नहीं था लेकिन अचानक से एक सुबह होती है और फिर से एक मेरे पास कॉल आता है पता लगता है कि वो सिसार जे एन का दोबारा सेंटेंस होने वाला है मैंने मैम ठान लिया कि जे तो जाना है क्योंकि उसके सिवा मुझे मेरे परिवार को और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर मैं जेनू नहीं जाऊँगा तो फिर सब ख़त्म हो जाएगा मेरा घर मेरा परिवार कुछ नहीं बचेगा मेरे लिए देन मैंने तीन महीने मैम जेनू का प्रिपरेशन किया दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया और करीब पच्चीस या छब्बीस जनवरी था मुझे एक्जैक्ट डेट याद नहीं है तो उस दिन रिज़ल्ट आया तो मैंने एक्चुअली थ्री लैंग्वेज उसमें ऑप्ट किए थे तो उसमें मैंने एक फ्रेंच स्पेस एंड रशन को सेलेक्ट किया हुआ था तो रिजल्ट आया तो पहले मैंने चेक किया तो देन तो पहले मैंने फ्रेंच का चेक किया तो उसमें लिखा नोट सेलेक्टेड देन स्पेनिश चेक किया उसमें लिखा नोट सेलेक्टेड तो मैंने मुझे लगा कि यार इस बार तो नहीं हुआ अब तो लगता है दुनिया को टाटा बाई बोलना ही पड़ेगा अब तो मैंने फ़ोन रख दिया हो मैं मतलब नॉर्मल जिस तरीके का मेरा उस समय एक्टिविटी था डे एक्टिविटी बस आराम से खाना पीना खाया और दोस्तों से बात किया मन उदास था कि रिजल्ट आया नहीं हुआ फिर से अब पता नहीं नई उम्मीद कहाँ दिखेगी कैसी दिखेगी एक साल का समय एक साल के बाद ही इंटेंस होते तो एक साल का समय उस समय मेरे लिए एक लाख साल के बराबर था तो बहुत मन परेशान था मैं अपने दोस्तों के साथ ही बैठा हुआ था तो जो मुझे जे घुमाने लाए तो उन्हीं भैया का फ़ोन आया और वो बोले कि आपने रिजल्ट चेक किया तो मैंने बोला हाँ भैया चेक कर लिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोले कि दोबारा रिजल्ट को चेक करो तो मैंने दोबारा चेक किया मैं दोबारा से फ्रेंच देखा तो उसमें नोट सेलेक्टेड स्पेनिश देखा नोट सेलेक्टेड रशियन का देखा उसमें लिखा सेलेक्टेड देन आई वाज हैप्पी मैं बहुत खुश हुआ कि बता नहीं सकता हूँ मैं अपनी खुशी का अंदाज़ा बया नहीं कर सकता हूँ कि बस अब मुझे रास्ता मिला है मुझे बस इन सवालों के जवाब जानने के मैं ही क्यों हम सब के जीवन में संघर्ष रहता है हम सब उससे लड़ते भी हैं फेस भी करते हैं लेकिन कहीं कही ना कहीं हमारे मन में आता है कि यार हम ही क्यों किसी के भी साथ हो सकता है हम ही क्यों गरीब पैदा हुए है ना हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो गया हम हम ही शिक्षित नहीं हो पाए हम ही क्यों तो जो हम ही क्यों वाला सवाल है तो वो जाहिर सी बात है, मेरे ही मन में था और जेन्यू उस सवाल के आंसर का एक रास्ता बना और मैं बहुत खुश था घर वाले भी बहुत खुश थे हम जुलाई में मुझे जे आना था लेकिन उन रातों में जनवरी से लेकर जून तक की रातों में मैं खुश बहुत हूँ लेकिन कहीं ना कहीं आग जो जल रही थी उसको वो नहीं बुझ रही थी क्योंकि लग रहा था कि नहीं जे तो नहीं है लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि अब क्या करना है तो मुझे पहले जे आना था और वो आग बुझ नहीं रही थी कि रातों को नींद नहीं आती है सब कुछ सब आपको दिखाई देता है जब आप इस सिचुएशन पर रहते हैं तो जुलाई में मैं जे आया अब जे में आते समय फाइनेंशियली काफ़ी मैं इकनॉमिक बिकर सेक्टर से आता हूँ तो फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम थी पापा का जैसे मैंने काम बताया तो सुबह से शाम तक पूरा दिन उस मशीन पे बैठे रहना और इंतज़ार करना कि कोई अपना फटा ले पुराना लेके आएगा तो हमसे लेंगे फिर शाम को सब्ज़ी लेके जाएंगे तब खाना बनेगा तब हमारे बच्चे खाएँगे इस तरीके की कंडीशन थी तो उस समय मुझे चार हज़ार रुपये की सख्त जरूरत थी तो मैं परेशान था कि मैं किससे मांगूं उस समय ये आ, मैंने फेस किया कि मैंने जिस दरवाजे पर दस्तक दी आ, कुछ ने बोला कि हम देखते हैं हम करते हैं लेकिन मुझे उन सभी का कोई गिला शिकवा नहीं है जिन्होंने किया सभी ने मुझे उन उन सभी लोगों ने भी मुझे बहुत बहुत बधाई आंदी और मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे वो एक शक्ति दी कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँ शायद अगर आप उस दिन मेरी मदद कर दिए होते तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाता तो आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो स्टॉक के माध्यम से मेरे एक फ्रेंड हैं जे में ही तो मैंने उनको कॉल किया और उनसे कॉल करके बताया कि मैं जे आ रहा हूँ लेकिन फीस का जो फोर थाउजेंड रुपीज़ चाहिए वो उसका अरेंज नहीं हो पा रहा है मुझसे तो उन्होंने बोला कि जे में कुछ अंडर प्रिवरेज स्टूडेंट्स हैं जो एट्स क्लास तक के हैं तो वो एक हमारे यहाँ एक बिल्डिंग है अननोटिस करके तो वहाँ वो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो उनके पास ट्यूशन का फी पे पे करने का पैसा नहीं रहता है तो उन्होंने मुझे बताया कि वो बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और एक भैया है जो कि उन वो वो चाहते हैं कि वो उन बच्चों को एक घंटा डेली ट्यूशन मिल जाए और उसके लिए वो पैसा दे सकते लेकिन समय नहीं है तो मैंने बोला कि ठीक है कितना पैसा देंगे वो तो बोले कि वो चार हज़ार रुपये पर मंथ आपको देंगे तो आप समझ रहे हैं मेरे लिए कितना मूवमेंट था मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है मैं बिल्कुल बच्चों को पढ़ाऊँगा बच्चे मुझे हमेशा से बहुत प्यारे रहे हैं मेरा हर दिन का समय था सेंटर से आने के बाद में दो बजे खाना खाने के बाद तीन बजे का मेरा समय रहता था आधा घंटे आराम किया फिर मैं तीन बजे जाता था और वहाँ पर जितने बच्चे हैं तो जब तक मेरा मन किया एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा और वहाँ उन बच्चों को समय दिया उसके बाद में आ गए तो एक महीने मैंने वहाँ पढ़ाया और चार हज़ार रुपये मुझे जिस दिन मैंने जे में पैर रखा उसी समय मिल गए थे मुझे उन पैसों से अपना फ़ीस पे किया तो और मेरा सलेक्शन तो रशियन लैंग्वेज में हो गया था तो नए नए दोस्त मिले नए नए लोग मिले मेरे लिए भरोसा करना भी उतना बहुत कठिन था कि मैं मैं ऐसी सिचुएशन देख के आया हूँ कि जहाँ पर मेरे खुद की अंतरात्मा ने मेरे मेरा साथ आ, मुझे लगा कैसा कि, कि मेरी अंतरात्मा ने तक मेरा साथ छोड़ दिया है मुझ में कोई हिम्मत नहीं बची उस समय मैं यहाँ आया हूँ तो एकदम से हर किसी पे मैं भरोसा भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन अपना है कौन पर आया है लेकिन जे के मेरी ये जो भी मेरे मन में सवाल थे चाहे वो वर्ग को लेकर हो या जात को लेकर हो या नाम को लेकर हो या आ, हमारे संविधान को लेकर हो या कुछ भी हो जिस तरीके की बातें मैंने अब तक की ज़िंदगी में सुनी थी या जे एन के के लिए मैंने जाना था जो बाहर होता है लेकिन जे के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मैंने इसी के साथ मैं अपना रशियन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया एंड सेकंड ईयर से मैंने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया क्योंकि जो आग जो थी ना वो बुझ ही नहीं रही थी वो आग छोटी हो गई लेकिन जल अभी भी रही है और जिस दिन वो आग शांत होगी मुझे बहुत सुकून मिलेगा मैं बहुत खुश रहूँगा उस दिन आज भी मैं बहुत खुश हूँ लेकिन जिस दिन वो मेरी आग शांत होगी जिस दिन मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं बिस्तर पर लेटूँगा और तुरंत से सो, सो जाऊँ ऐसी नींद मैं चाहता हूँ मैंने 2021 में अपना बैचलर्स रशियन लैंग्वेज से कंप्लीट किया और मेरा अभी एम फाइनल सेमेस्टर चल रहा है और इसी बीच मैंने अपना जे जूनियर रिसर्च फेलोशिप का प्रपेशन के साथ साथ उस एग्ज़ाम को भी क्लियर किया हुआ है एंड यू uh, का एस साथ का प्रपेशन साथ किया एग्ज़ाम दिया पहले प्री दिया नहीं हुआ मन बहुत परेशान हुआ कि नहीं अगर प्री नहीं हुआ तो ये आग नहीं बुझ पाएगी तो मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया और लाइब्रेरी में देखा कि रशियन की किताबें हैं रशियन लैंग्वेज की लेकिन लोग और भी कुछ पढ़ रहे हैं कोई अखबार पढ़ रहा है कोई कुछ पढ़ रहा है, है तो स्टार्टिंग में मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कर कि, कि लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं क्या क्या है क्या क्या मेरी लाइफ में ऑप्शनस हैं जिससे कि जो मेरी आग है जो कि मुझे सोने देगी जो हर रोज़ आँखों में जलती रहती है नींद नहीं आती है कि अब क्या करना है कैसे करना है उसका सब जवाब ढूंढने में लाइब्रेरी ला पहुंचा और देखा कि लोग जो है प्रपेशन कर रहे हैं तो मेरे भी कुछ सीनियर्स थे तो वो भी प्रपेयर कर रहे थे तो मैंने उनसे बात किया कि, कि किस क्या क्या जॉब्स है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है रशियन लैंग्वेज पढ़ने का क्योंकि मेरा उस समय उसी लैंग्वेज में हुआ था तो मुझे अब पूरा फ्यूचर उसी लैंग्वेज में देखना था क्योंकि उस समय मैं यूपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था तो उन्होंने बताया कि सूरज नहीं तुम एक काम करो तुम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू शुरू कर दो यू पी एस क्या होता है तो फिर उन लोगों ने मुझे पूरा डिटेल में बताया कि आई एस क्या है और शायद है कि उन्होंने जिस दिन मुझे बताया था कि आई एस क्या है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि वो आई एस क्या होता है जो उन्होंने मुझे बताया था देन उन्होंने पूरा स्ट्रेटजी मुझे बताया कि आपको एन सी आर टी से शुरू करना है और पहले एन आप कंप्लीट कीजिए फिर जो रेफरेंस बुक हैं आप उनको कंप्लीट कीजिए और ऑप्शनल को और न्यूज़ पेपर को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लो कि हाँ आपको हर रोज़ एक न्यूज़पेपर पेपर एक घंटा न्यूज़पेपर में देना ही देना है एक घंटा सोशोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है ये आपका रूटीन होना चाहिए उन्होंने इस तरीके की मुझे एडवाइस दी लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप भी लाइब्रेरियन मैम जो है उन्होंने मुझे एक लैपटॉप प्रोवाइड करवाया जिसके थ्रू मैं जो भी इंटरनेट की दुनिया है उससे जुड़ पाया हूँ उस लैपटॉप की मदद से देन मैंने ऑनलाइन ही जे में पूरा वाईफाई है तो ऑनलाइन ही मैंने पूरा एन सी आर टी सिक्स टू ट्वेल्व तो मेरा टाइम शेड्यूल भी वही था कि सुबह कभी कभी साढ़े आठ पट जाना कभी कभी आठ चालीस पर कभी कभी होता है कि नौ बजे ही उठे और सीधा क्लास के लिए चले गए देन एक बजे वापस आना खाना खाना और खाना खाने के बाद में फिर लाइब्रेरी चले जाना और लाइब्रेरी में जितना भी समय जब तक मन करे लाइब्रेरी में ही मैंने क़रीब डेढ़ साल बिताया है और इसी बीच में मेरे हमारे कैंपस में फी आई का प्रोटेस्ट भी हो गया था उस प्रोटेस्ट ने मैं मुझे अलग एक दुनिया दिखाई एक अलग जीनू को समझ में आया मुझे आम आदमी की प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे पता लगा मैंने उस चीज़ को महसूस किया कि हर किसी की कहानी अलग है जीनू में आए आठ हज़ार बच्चे हैं और हर आठ हज़ार बच्चे एक अलग संघर्ष की कहानी लेकर आज मेहनत कर रहे हैं वो उस प्रोटेस्ट में मुझे काफ़ी आ, काफ़ी कुछ सिखाया लेकिन उसी के साथ साथ कोविड आ गया तो कोविड में सभी परेशान थे कि क्या होगा क्या होगा महामारी थी आ, उस समय Uh, मेरे पापा का फ़ोन आया और वो वो बोले कि आ जाओ मैंने उनको बोला कि नहीं uh, मेरी जो पढ़ाई है मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ मैं आप, मैं यहीं रहूँगा और आप लोग जो है परेशान मत होइए यहाँ कैंपस में हूँ कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी है वार्डन सर हैं uh, गार्ड्स हैं वो बोले कि नहीं uh, अगर ज़िंदा ही नहीं रहोगे तो फिर uh, क्या ही बनोगे तो उनकी बात वो मुझे छू गई तो मैंने बोला कि ठीक है आप रुकिए मैं आता हूँ तो मैंने फ़ोन रखा और अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मुझे भी जाना है तो मैंने एक गाड़ी का अरेंज किया और उसी के साथ साथ मैं कोविड में घर चला गया घर जाने के बाद जो माहौल पहले जो मैं छोड़ कर आया था जे आने के लिए वो ही माहौल उससे थोड़ा सा बेटर था लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं था मैंने वहाँ प्रॉब्लम्स देखे वहाँ पर मेरी सिलाई की दुकान है अब महामारी का समय चल रहा है इस समय में लोग अपनी जान के बारे में सोच रहे हैं अपना कपड़ा सिलवाने के बारे में कौन ही सोचेगा तो मैंने वो एक फेज देखा है कि उस समय जब भी मैं आठ नौ महीने घर पर रहा तो मैं जानता हूँ कि उस समय पर घर की क्या कंडीशन है मेरी थी मेरे तो पापा कहीं कहीं से ही हम लोगों ने अरेंजमेंट किए और गुजारा किया फिर जब मैं जे आया हूँ वे उस समय मेरा फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा था तो मैंने तीन महीने करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट वगैरह भी दी क्योंकि प्री का एग्ज़ाम था पाँच जून तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं एग्ज़ाम देने गया और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में घुसा और वहाँ मैंने पेपर को प्री का पेपर था तो जैसे ही पहला पेपर खोला और उसमें तीन चार सवाल ऐसे थे कि मैं सवाल देख के समझ गया कि नहीं इस बार तो मुश्किल लग रहा है मैंने वहाँ प्रेशर समझने के लिए क्वेश्चंस को समझने के लिए मैंने बोला कोई बात नहीं इस बार नहीं होगा हम अगली बार में रखेंगे देन ट्राई करते हैं तो मैंने पूरा अपना प्री का पेपर दिया और रूम आया रूम आके दो तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसा पेपर गया मैंने पेपर लिया उसको अपने बेड के नीचे रखा मैंने मैं यहाँ मैं पे सब लोग चलते हैं चाय पीते हैं हम लोग गए घूमे आराम से और कैंपस घूमे सब लोगों ने बातें की हम लोगों ने पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मंगा के आराम से सब लोगों ने इंजॉय किया पेपर में सुबह उठा ना याद हो उसके बाद मैंने अपना पूरा पेपर लगाया और मुझे पता लगा कि हाँ यहाँ यहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं और प्रिय तो नहीं हो रहा था लेकिन मुझे गलतियाँ मेरी पता लग गई थी कि हाँ यहाँ यहाँ मेरी गलतियाँ हुई हैं तो मैंने मैम पूरा एक स्ट्रेटजी बनाया कि, कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करनी है क्योंकि अगला एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है मेरे पास समय नहीं है अगर जे एन यू छूट जाएगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ तक मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँ मेरा जो ड्रीम है जो मेरा सवाल है कि मैं ही क्यों मैं उस आ, सवाल का जवाब ढूंढ सकूं मन में था कि आई जो सभी के मन में होता है मेरे मन में भी था कि बनना है तो आई ही बनना है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी और जॉब के साथ में तो ये एक, एक सपना एक आग के साथ में मैं आ, आगे बढ़ा मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई कि, कि किस तरीके से दोबारा से एन के कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है और मैंने एन के चैप्टर्स पढ़े दैन जो रेफरेंस बुक हैं उनको मैंने प्रायोरिटी दी न्यूज़पेपर मैंने डेली का फॉलो किया है एंड यूट्यूब इस समय में इंटरनेट इंटरनेट आप ऐसे समझिए कि जैसे मेरी ज़िंदगी में एक स्तंभ का काम किया है और मैंने पूरा अपना प्रपेशन सेल्फ स्टडी से ही किया हुआ है प्रपेशन भी मैंने इसी के साथ साथ अपना मास्टर्स का भी कंटिन्यू रखा और इसी के साथ साथ मैंने अपना जी का प्रपेशन भी रखा क्योंकि एक बी प्लान होना हमेशा जरूरी होता है क्योंकि और बी प्लान को आप जब भी यूज़ करो उसको एक्टिव हमेशा रखो लेकिन यूज़ जब भी करो जब आपका ए काम ना करे देन मेरा ए प्लान तो आई का था ही मैंने लगातार तीनों किसी प्रपेशन साथ की मेरा एम भी करीब बीस जून के समथिंग कम्प्लीट हो जाएगा जी का रिजल्ट भी मेरा पॉजिटिव रहा और यू का तो आपके सामने ही है एंड बस एक कदम और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा हेलो एस्पिरेंट्स हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में तो इसलिए जोश टॉक्स ने कॉन्टैक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए के एस के खान सर को और आई हब के एम के यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आई के के सर को आपने शायद नाम तो सुना ही होगा खान सर एम के यादव सर और के डी सर तीनों यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है हमें बहुत ही यानी कि तीनों सर ने जोश की टीम को करेंगे, की वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब हम अफोर्ड कर पाएंगे जोश फैमिली ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहेगा आप जाके बस अपना हंड्रेड परसेंट दीजिए एक भी दिन जाया ना होने दे बाकी जोश के हाथ में जय हिंद